नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि धनतेरस पर्व आने वाला है, सभी धनतेरस पर्व पर बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि धनतेरस पर्व के पहले जो पुष्य नक्षत्र पड़ता है उसमें खरीदारी करना कितना शुभ माना जाता है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि ये पर्व जो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, इस पर्व में जो सामान जो संपत्ति आप खरीदेंगे आपके साथ लंबे समय तक कैसे रहेगा, चलिए बताती हूँ वीडियो में कि आप पुष्य नक्षत्र में जो कि 18 तारीख को पड़ रहा है क्यों इसमें खरीदारी करें। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र पड़ता है उसका महत्व क्यों अति शुभ और ज़्यादा होता है। क्यों धनतेरस या दीपावली में कोई चीज़ें आप नहीं खरीद सकते तो क्यों खरीदना चाहिए इस पुष्य नक्षत्र में, यानी कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के जो पुष्य नक्षत्र है उसमें क्यों शुभता बढ़ जाती है, आपको बताऊंगी। और आपको बताऊंगी कि जैसे आप बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं कि उनको रजिस्ट्री करानी है ज़मीन की, या वो फ्लैट खरीद रहे हैं, या गाड़ी खरीदेंगे, या कुछ भी सोना चांदी कुछ भी खरीदना चाहते हैं, तो ये पुष्य नक्षत्र आपके लिए सबसे अति उत्तम है। इसमें आप कोई भी जमीन मतलब भूमि, फ्लैट, आभूषण और गाड़ी, कोई भी चीज़ सोना चांदी सभी कुछ खरीद सकते हैं। पुष्य नक्षत्र जो 27 नक्षत्र होता है उसमें 8वें नंबर पर आता है पुष्य नक्षत्र। तो नक्षत्रों शास्त्र अनुसार नक्षत्रों की गणना से ही सभी गणना चलती हैं, तो पुष्य नक्षत्र 2700 नक्षत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है और ये माह में एक बार आता ही है। पुष्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों जैसे एक बार आते हैं, उसे पुष्य नक्षत्र भी एक माह में एक बार आता है। पुष्य नक्षत्र अगर गुरुवार के दिन पड़ता है तो उसकी शुभता अति बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन ये तो बाकी महीनों के लिए हो गया, लेकिन कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में कोई भी दिन हो अगर पुष्य नक्षत्र है तो उसकी शुभता बहुत बढ़ जाती है। आप लोग पहले भी देखे होंगे कि इस दिन शास्त्र अनुसार इस दिन जैसे कि खरीदारी के लिए धनतेरस अति शुभ माना जाता है, कोई कोई दीपावली में भी खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन धनतेरस और दीपावली से भी धनतेरस से भी बढ़ के ये कार्तिक महीने के जो कि दीपावली के ठीक पहले पड़ता है, दीपावली के कुछ दिन पहले एक हफ्ता पहले ही पुष्य नक्षत्र पड़ता है। तो 2020 में शनिवार को पड़ा था, 21 में गुरुवार को पड़ा था पुष्य नक्षत्र, और अभी 22 में ये मंगलवार को पड़ रहा है, 18 अक्टूबर मंगलवार को 2022 में पड़ रहा है, जो कि पूरे दिन और रात रहेगा। सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक पूरी रात तक ये नक्षत्र रहेगा। ये नक्षत्र अति शुभ माना गया है। जैसे कोई गृह प्रवेश वगैरह करते हैं, ये करते हैं नींव पूजन वगैरह, तो मान्यता यह है कि अगर पुष्य नक्षत्र में ही नींव पूजन करके और पुष्य नक्षत्र में ही गृह प्रवेश करें तो अति शुभ माना गया है। तो ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे आप अभी तो गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं है, फिर भी अगर महीना अच्छा रहे, यानी गृह प्रवेश जैसे जिस माह में होता है वो माह रहे या मुहूर्त न रहे लेकिन पुष्य नक्षत्र रहे, तो उस समय गृह प्रवेश भी किया जा सकता है। तो पूरे रात और दिन इस बार पुष्य नक्षत्र मंगलवार को पड़ रहा है, अहोई अष्टमी के एक दिन के बाद पड़ रहा है। तो इस नक्षत्र में जो व्यापारी हैं वो जैसे कि पहले कलम और दवात वगैरह से लिखते उखते थे, तो मान्यता यही है कि इस दिन शुभता के लिए कलम और दवात खरीदी जाती है, नई जो बही खाता है उसको भी खरीदा जाता है। व्यापारी लोग खरीदते हैं, रजिस्टर बोलते हैं उसको नया खरीदते हैं, भले ही पुराने रजिस्टर में अपना लेखा जोखा लिखें लेकिन खरीदते हैं, और उसकी पूजा विधिवत की जाती है, और पूजा करने के बाद उसमें कुछ भी शुभ चीज़ें खरीदारी की भी लिखी जाती है, भले आप पुराना रजिस्टर यूज करते रहें। और इस दिन यानी कि 18 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र दिन और रात है, कई इसमें शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन सूर्य देवता मीन राशि से निकल के तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसको तुला संक्रांति भी माना जाता है। और जब ऐसी अवस्था में जब सूर्य भगवान जाते हैं तो इसकी शुभता भी काफ़ी बढ़ जाती है। और इस नक्षत्र में जैसे कि मान लीजिए नवंबर में दिसंबर में आपके यहाँ बेटी या बेटे का विवाह है, तो ऐसे नक्षत्र में आप आभूषण खरीद सकते हैं बेटी या बेटे के विवाह के लिए, बहू के लिए सोना चांदी
ये सभी चीज़ें जो आप रजिस्ट्री के लिए जोह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि शुभ समय आए तो रजिस्ट्री कराएं, फ्लैट के या भूमि की जो भी वाहन खरीद सकते हैं, चार पहिया दो पहिया कुछ भी, सभी चीज़ें कर सकते हैं दिन और रात 18 तारीख पूरे दिन और रात। अगर दिन में खरीदारी करते हैं तो ज़्यादा शुभता मानी जाती है। तो आप इस दिन खरीदारी करें और जो भी आपको खरीदना हो, जमीन से लेकर फ्लैट से लेकर सभी चीज़ें खरीद सकते हैं। और इस दिन स्नान दान का भी काफ़ी महत्व है, दीप मालिका सजाने का भी काफ़ी महत्व है, क्योंकि कार्तिक महीना ही भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पण है। माँ लक्ष्मी भगवान श्री गणेश जी का पूजन करना भी काफ़ी शुभ माना गया है। यानी जब आप जब ये सब चीज़ें लाओगे, जैसे सोना चांदी वाहन लाओगे या भूमि खरीदे, तो ये भी खुशी की बात होती है, लोग मिठाइयाँ बांटते हैं। इसी तरीके से जो भी आप जैसे कलम दवात बोली हूँ, पुस्तक बोली हूँ, बही खाता जिसको बोलते हैं, सब चीज़ें जब आती हैं तो इनको एक चौकी पर अच्छी तरीके से रख के जल से पवित्र करके और भगवान श्री गणेश जी का, श्री विष्णु जी का, माँ लक्ष्मी जी को भी एक चौकी पर बैठा के और सभी चीज़ें इनको अर्पण कर दें कि माता ये आपका आशीर्वाद है, ये आपका दिया हुआ है, पहले उनको अर्पण कर दें, पूजा करके फिर आप उसको लाकर में अपने विधि विधान से रख सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ 18 अक्टूबर को आने वाले पुष्य नक्षत्र में आप सभी जो अपने बेटी बेटा के लिए और जो आप धनतेरस पर खरीदारी करने वाले हैं, क्योंकि मैं भी इसी पुष्य नक्षत्र में ही जो भी खरीदारी करना है वो करूँगी, आपको दिखाऊंगी कि क्या खरीद रही हूँ इस बार, तो आप भी खरीद लें। और थोड़ा बहुत शुभता के लिए काक सिक्का उक्का आप धनतेरस में भी खरीद सकती हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र में खरीदा हुआ चीज़ यानी कोई भी चीज़, चाहे वो वाहन हो, भूमि हो, घर हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, सोना चांदी हो, अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें लंबे समय तक आपके साथ रहें, लंबे समय तक चलें और शुभता प्रदान करती रहें, तो ये सभी चीज़ें आप पुष्य नक्षत्र में खरीद के देखिए। शुभ समय में खरीदारी के लिए आप इसको खरीद सकते हैं और जब शुभ समय आए तब इसमें पूजा करा के गृह प्रवेश वगैरह करके रह सकते हैं। 18 अक्टूबर को 4:53 तक सिद्ध योग रहेगा, फिर साध योग लग जाएगा। जैसे कभी कभी कोई कोई दिन जब पड़ता है शुभता के लिए, तो उसमें जब ये सब योग पड़ते हैं तो उसकी शुभता बढ़ जाती है। तो आप तैयारी कर लें कि जो आपको धनतेरस में खरीदना है, जो व्यापारी लोग हैं उनको पता है, वो इसी दिन कलम दवात और बही खाता को खरीद के पूजन करके उनको रखते हैं और इनका पूजन लगातार करते रहते हैं। यानी धनतेरस पर, दीपावली पर इनकी पूजन होती ना है कि ला दिए तो पूजा नहीं करना है, इनकी पूजा करते रहते हैं। जैसे आप भी सभी चीज़ें लाएंगे तो उस दिन तो पुष्य नक्षत्र में तो पूजन करेंगे ही, उनका धनतेरस में और दीपावली में भी विधि विधान से माँ लक्ष्मी के पास, कलश के पास रख के दीप प्रज्वलित करके धूप कपूर से आरती करके पूजन करेंगे ही। तो मैं आपको बताई हूँ कि इस बार 18 अक्टूबर मंगलवार को पूरे दिन और पूरी रात्रि पुष्य नक्षत्र है। इस नक्षत्र में आप अपनी बहन, अपनी बेटियों के लिए, विवाह के लिए, बहुओं के लिए आभूषण खरीद सकती हैं, फ्लैट भूमि बुक करा सकती हैं, वाहन खरीद सकती हैं, जो भी आपको शुभता के लिए खरीदना है खरीद लें। ऐसे नक्षत्र में खरीदा हुआ चीज़ लंबे समय तक आपके साथ बना रहता है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में कोई भी दिन हो, दीपावली के पहले जो पुष्य नक्षत्र पड़ता है, आप जान लें कि इस पुष्य नक्षत्र में हर साल विशेष खरीदारी करना काफ़ी शुभ माना गया है। तो आप सभी के लिए ये सभी पर्व, दीपावली, धनतेरस, अन्नकूट, भाई दूज, जितने भी पर्व आ रहे हैं, सभी पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो और कोई उदास न हो, कोई दुखी न हो, कोई चिंतित न हो, सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें, सभी माँ लक्ष्मी की पूजा प्रसन्नता से करें। कभी मन को मार के या मन को उदास करके देवी देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए, खूब प्रसन्नता से पूजन करें, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। और ऐसे ही आप हमारे साथ भी प्रसन्नता से बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।